I want to remember the words of Gautam Buddha He said there are 3 things that can never be hidden one the sun second the moon and third the truth truth नेवर बी हिडन जितना मर्जी कोशिश कर ले ये सरकार जितना मर्जी प्रधानमंत्री जी कोशिश कर ले राफेल की सच्चाई तो आएगी ही आएगी एंड टू एरिक ट्रेपियर आई से मेन में लाए बट फैक्ट नेवर लाए facts are neither prejudicial nor can facts be pressurized nor do facts have an agenda nor do facts support or vilifies the cause of men and today i will establish before you some facts that you may not know eric trepier in his interview to CNBC TV 18 said that it was not till the press briefing of April 13 that I got to know that HAL was not our partner. Fact. He has said so in his TV interview. उनको तेरह अप्रैल को पता चला कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलेज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और एच के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट मार्क द डेट मार्च 28 2015 मतलब के दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी के फैसले से दो हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से दो हफ्ते पहले मार्च 28, 2015 रिलायंस डिफेंस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड फैक्ट दिस फैक्ट एरिक ट्रेपियर डिड नॉट नो दिस फैक्ट नोबडी इन फ्रांस न्यू एंड ऑब्वियसली Those who incorporated Reliance Defense Limited knew that something was likely to happen. That's fact number two. Fact number three, April 24, 2013. On that particular day, आर ए एल रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विच वॉज ए सब्सिडरी ऑफ रिलायंस डिफेंस लिमिटेड विच वॉज इन्कॉर्पोरेटेड ऑन मार्च ट्वेंटी एट तो एप्रिल चौबीस दो हजार तेरह में पंद्रह में रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन हुआ और वो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की सब्सिडरी थी दैट्स फैक्ट नंबर थ्री और एरिक ट्रेपियर जी कहते हैं कि इट इज इन अप्रैल दैट वी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद आरएल सो इन अदर वर्ड्स द कंपनी वाज इनकॉपरेटेड ऑन अप्रैल 24

आर ए एल इन होगी जो सब्सिडरी है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की तो फिर अप्रैल में उन्होंने कैसे ज्वाइंट वेंचर कर लिया द ज्वाइंट वेंचर इज डी आर ए एल दौ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर ये तो अप्रैल में ही हो गया फैक्ट नंबर फोर फिर एरिक ट्रेपियर सेल्स We entered into the joint venture because we knew that Reliance had land. Fact number five June 16, 2015, Reliance applied for land. Fact number five. So when they entered into the joint venture, they didn't even know.

उनको तो नहीं मालूम था तो फिर ये जो वजह एरिक ट्रेपियर ने कही कि हमने इसलिए किया था कि उनके पास जमीन थी जो एयरपोर्ट के पास थी तो इसलिए हमने किया कौन सच बोल रहा है कौन ज... फैक्ट्स तो झूठ नहीं हो सकते ना मानव झूठ बोल सकते हैं फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते फिर जब ये अप्लाई किया तो इनको जो अलॉटमेंट हुई लैंड की अलॉटमेंट तो अप्लाई किया ना सोलह को फैक्ट नंबर सिक्स ये अलॉटमेंट हुई 29 अगस्त हजार 29th of August 2016 29th सोलह ट्वेंटी 2016 रिलायंस एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट लैंड वाज एक्सेप्टेड एंड लैंड वाज अलॉटेड ऑन अगस्त 29 2015 अब 289 हंड्रेड एकर्स ऑफ लैंड वाज अलॉटेड बट रिलायस ओनली टू हंड्रेड एंड फोर एकर्स दो दो सौ निन्यानवे टू एटी नाइन अलॉटमेंट हुआ और एक सौ चार उन्होंने लिया हंड्रेड एंड फोर एक सौ चार की भी पूरी प्राइस नहीं थी अट्ठतीस करोड़ बाकी बकाया था और अठतीस करोड़ जुलाई 2017 में दिया फैक्ट नंबर सेवन तो जो तब जब लैंड, लैंड अलॉट हुआ जुलाई 2017 में फिर जो जॉइंट वेंचर था दस रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फिर फॉर्मरी इनकॉर्पोरेट फरवरी 2017 में हुआ Fact number seven. So the joint venture was formally incorporated in February 2017. Fact number seven. And the allotment was final only in July 2017 after 38 crores were paid. So the statement that they entered into the joint venture because Reliance had land in april 2015 cannot be true fact number 8 eric trapier says we did not enter into agreement with hal because they had no land fact number 8 HAL invited bids for new production facilities way back in 2012 to construct a new integrated MMRCA complex with runaway hangars, new production unit, and residential facilities for employees near Bangalore International Airport. Fact Number eight, that means Hal had already applied, and Hal had a lot of land around the airport already. That's fact number eight. So the statement of Mr. Trepier that Hal did not have land near the airport not true. That's fact number eight. Then this joint venture, Dassault says that 800 crores have to be invested in the joint venture, of which 400 crores have to be invested by Dassault, and the balance by Reliance. But the moment the joint venture was entered into, 282 crores were given by Dassault. Fact number nine, and Dassault and Reliance had no experience. In the defense area, they had only an industrial license. That's fact number nine. Fact number ten is that President Hollande, as you know, made a statement that we were asked to have him as the interlocutor. एरिक ट्रेपियर शुड पब्लिकली स्टेट दैट वॉट प्रेजिडेंट ओलो सेड वॉज अ लाइ कि जो प्रेसिडेंट अलो ने कहा कि जो इंटरलॉकेटर था हमने नहीं उसको चूज किया लेकिन सरकार भारत सरकार के कहा कि आप इनके साथ करिए तो ट्रेपियर साहब को अब कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट ओला झूठ बोल रहे हैं ये सब फैक्ट्स हैं मैंने आपके साथ कोई अपनी ओपिनियन की बात नहीं की फिर दो बातें एरिक ट्रेपियर ने और कही कि हमारा समझौता जो नगोसिएशन चल रही थी वो इतने साल चलती रही लेकिन वो एक किनारे पे नहीं पहुंची ये उनकी स्टेटमेंट है लेकिन मार्च ट्वेंटी फिफ्थ को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की एरिक ट्रेपियर ने तो उन्होंने यह कहा कि पचानवे प्रतिशत हमारा समझौता हेल से हो चुका है और पांच प्रतिशत बाकी जब प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के आएंगे तब पूरा हो जाएगा दैट्स फैक्ट नंबर इलेवन तो इसका मतलब कहना कि के हमारा साथ कोई मतभेद था एच के साथ वो भी गलत उस समय हिंदुस्तान के एम्बेसडर वाज़ प्रेजेंट एट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट फैक्ट नंबर इलेवन फैक्ट नंबर ट्वेल्व मिस्टर सुवर्णा वॉज रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ दी हेल्थ मेड अ स्टेटमेंट कि हमारा तो वर्कशेयर एग्रीमेंट ऑलरेडी जा चुका था सरकार के पास विद डे सोल्व एंड ई सैज डिस एंड हैड हैड साइंड द म्यूचुअल वर्कशेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड गिवन इट टू द गवर्नमेंट। व्हाई डोंट यू आस्क द गवर्नमेंट टू पुट द फाइल्स आउट इन पब्लिक द फाइल्स विल टेल यू एवरी इफ आई बिल्ड द प्लेन्स आई विल गारंटी दम कोर्ट अनकोर्ट फैक्ट नंबर ट्वेल्व तो ये वर्कशेयर अग्रीमेंट नहीं था झूठ फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि हेल सर जहाज बना फाइटर जहाज बना रही थी तो उनको गारंटी देना था लेकिन सुवर्णा ने कहा हम गारंटी के लिए तैयार थे

in fact the salt was a non compliant vendor why i will prove it just now <clears throat> in the bid that the salt gave it provided the number of hours to be taken for manufacture of 108 aircraft जो बिड डॉक्यूमेंट में लिखित था कि एक्स नंबर ऑफ आर्स में 108 जहाज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे इस बात का विरोध एचएल किया जब एचएल ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये आपके मैन आवर्स जो बोल रहे हैं ये गलत हैं। इट विल टेक ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ मैन आवर्स एक्चुअली द एग्जैक्ट इज टू पॉइंट सेवन फोर तो आपके बिट डॉक्यूमेंट में तो यह है लेकिन इट विल टेक टू पॉइंट सेवन फोर मोर मैन आवर्स देन यू हैव सेड इन योर बिट और अगर इस बात को आप नहीं मानते तो या तो आप एक एफिडेविट दीजिए या अंडरटेकिंग दीजिए दस ऑर रिफ्यूज टू गिव either the affidavit or the undertaking and under government of india procedures the saw became non-compliant had they given the total number of hours it would have been l2 1 second one second. it would have been l2 had they given the number of hours therefore they didn't give that affidavit it, once it became non compliant, you can't have any contract with the SOF. Government of India cannot have. Government of India asked you take full responsibility of, for the production and quality and performance of the hundred and eight aircraft. The SOF flatly refused. Second cause for non compliance you cannot, Government of India cannot deal with a company which has become non-compliant. This is fact number 13 and 14. Fact number 15, <laughs> that the when Pradhan Mantriji with his usual flair and his uh, in expansive ways, said that i'll pick up 36 uh, raphaels off the shelf. the rfp had not been cancelled. the request for proposal had not yet been cancelled. how could the prime minister do that? it cons got cancelled much later. So, the Prime Minister could not have done that. This is fact number 15. Then, my allegation this is not a G2G contract. The SALT should make a public statement if they ever had a G2G contract. Prior to this, in fact, there is no such procedure in France. That procedure exists in the United States of America. It is called the FMS route, R O U T E. That means Foreign Military Sales Route. In this case, and again it's my allegation, that the people who negotiated the deal were the SALT representatives, along with Eric Trapier himself and others in the SALT who negotiated the deal. That is on the side of. Dassault, and on the Indian side, Ministry of Defense and Air Force officials negotiated the deal. And the only thing that happened was that the government of France gave a confirmation letter. But the negotiations were done by Dassault. How could it be a G2G contract? And the officers who issued notes of dissent within the Ministry of Defense, Rajiv Verma and A.R. Sahab, were transferred overnight. And an officer, Sunita Nagaraj, was brought from Tamil Nadu, stayed for six, seven months, concluded the deal, and has become a member of the UPSC. This is what fact number 18, 19, 20, whatever. दीज आर फैक्ट्स दैट आई है नो बडी एज मैनिपुलेटेड दीज फैक्ट्स आर ऑन द टेबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफकोर्स प्रधानमंत्री जी तो मौन रहेंगे क्योंकि उनका तो आ, जैसे हाईवे में एक तरफ गाड़ी चलती है ना उनका डायलॉग ही ऐसे हाईवे में एक तरफ चलता है तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जो भी करेगा उस पर हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आने चाहिए मैं प्राइसिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको फैक्ट्स के साथ सबूत नहीं आपको दे सकता मैंने वो बातें आपके सामने रखी हैं जो तथ्य है जिसपे कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है क्योंकि ये उनकी कही हुई बात है डेट्स तो सामने है हमारे सामने So, प्रधानमंत्री जी करप्शन का मतलब तो आप भी जानते हैं अगर आपने कसम खा ली है कि सच देश के सामने नहीं खाएगा तो हमने भी कसम खाई है कि सच देश के सामने आएगा